लकम टू माई वीडियो और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट बड़े मुश्किल से सबको क्योंकि कोविड चल रहा है बिल्कुल मना करते हैं सब लोग पर फेस्टिवल भी आ गए हैं क्या करें शॉपिंग भी करनी है मार्केट भी दिखनी है और आप लोगों के साथ भी शेयर करना है कि कहाँ पे क्या आया हुआ है नया कलेक्शन तो मैंने उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं आप देख रहे हो बालों को ऐसा टाइप है ना विध जूड़ा कि कहीं से लूज ना हो मुझे बाल कहीं आवा टच ना हो या मैं बहुत ज़्यादा टची टुची ना करूँ जो भी चीज़ें देखूँ और साथ ही मैंने पहना है एक जीन जिसमें मैं मोबाइल कैरी करूँ वॉच बांध ली अपनी और बहुत ही लूज जो मुझे कम्फर्ट देता है ये वाला टॉप ये मैंने वेयर किया है साथ में ले रही हूँ सैनिटाइज़र छोटू कि हर दो मिनट में हाथ में रहेगा सैनिटाइज करते होंगे एंड विद दिस टू मास्क एक तो दिस वन एंड डॉक्टर मास्क तो 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 कर लो बात चलें फिर तो भाई मैं तैयार तो सरोजनी चलने के लिए आई होप आप भी तैयार हो मेरे साथ मार्केट देखने के लिए लास्ट सो get... so ये है सरोजनी नगर मेट्रो का गेट नंबर एक यहाँ से बाहर निकलते ही आपको एक मेन रोड दिखाई देगी

100 यानी कि 101 से 196 तक शॉप एंड है एंड ये है स्ट्रेट और ये मेरे बैक तरफ है यहाँ पे दो शॉप्स हैं कुछ एक डेकोरेशन का सामान है खाने की कुछ शॉप्स हैं और बैग हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे 101 से 196 वाली जो शॉप है ना वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं और जो दिवाली वाले टाइम में है क्या चीज़ डिफरेंट है तो गाइज़ ये हमेशा कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि ये एक इयरिंग्स वाले भैया हैं ये हमेशा यहाँ पे 101 शॉप के नीचे लगाते हैं एंड इसी के पैरेलली ये फ़ोन मोबाइल कवर ईयर का कुछ कलेक्शन और साइड में इस ये जो आप गॉगल्स की शॉप दिख रहे हैं चश्मे की यहाँ पे ये 100 से स्टार्ट था एंड 300 तक आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का चश्मा मिल जाएगा ईयरिंग्स की बात करूँ तो 200 300 में हर वैरायटी के एयरिंग्स थे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में सामने ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लेन में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल सारे कपड़े लगाते हैं बेसिकली ये कुर्ते का कलेक्शन टी शर्ट का कलेक्शन अगर आप डेली वेयर में पहनना चाहते हो कॉटन का मटेरियल काफ़ी अच्छा था हंड्रेड रुपीज़ में एंड इसके आगे जस्ट स्ट्रेट जब हम निकलेंगे तो साइड में ये एक टॉप की शॉप है यहाँ पे सिर्फ हंड्रेड रुपये में अच्छे से टॉप थे सीक्वेंस के थे कॉटन मटेरियल में थे बेल्टेड टॉप थे मतलब बहुत अच्छी वैरायटी के थे बस आपको इस ढेर में से अच्छे से ढूँढना आता हो फाइंड करना आता हो तो आपके लिए सरोजनी नगर बिल्कुल बेस्ट मार्केट है स्पेशली जो लोग कॉलेज गोइंग होते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेली अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए होती हैं उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड एंडाइज ये जो शॉप है यहाँ पे 350 का इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कुर्ती का मटेरियल बहुत अच्छा है बट ये दे रहे थे फाइव में टू कुर्ते और ये बोलते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए है सिर्फ आज के लिए है अब ये तो मुझे पता नहीं ये इसी दिन के लिए था या आगे भी होगा तो यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट में जो है ये आप 150 100 में अच्छी जीन्स मतलब अगर आप थोड़ा सर्च करके लेंगे तो आई थिंक आपको अपने साइज़ अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डैनिम में बहुत अच्छी क्वालिटी के जीन्स मिल जाएंगे और साथ में ये आपको इंची टेप से आपका कितना वेस्ट है क्या है वो नाप की भी बता देते हैं राइट नाव जब आप ख़रीदते हो और यहाँ पे मेंस और वुमेंस दोनों के कलेक्शन हैं जीन्स के स्पेशली सो so, कुछ ये इसी के आगे आप जाओगे तो ये एक बैग का कलेक्शन की बैग की शॉप है एक नहीं यहाँ पे दो पैरेलली बैग शॉप हैं जिसमें कि कॉलेज गोइंग वाले बैग हैं में और ये ट्रेवल बैग तो हैं ही साथ में बीच बीच में ये स्ट्रीट में ही कपड़ा बिछा के और एक छोटी छोटी सी इस तरह से शॉप तरह के बीच में लगाया था और ये सारा मेकअप हंड्रेड रुपीज़ और फिफ्टी रुपीज़ में था यानी कि जो नीचे लिपस्टिक फाउंडेशन ये सब कुछ आपको ये फिफ्टी रुपीज़ में दे रहे थे और ऊपर पैलेट वगैरह हैं वो हंड्रेड रुपीज में दे रहे थे आई don't नो इनकी क्वालिटी क्या होती है बिकॉज मैंने कभी लिया नहीं और यूज़ भी नहीं किया तो मैं क्वालिटी के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ एंड ये स्ट्रेट जो आप देख रहे हो ये हैंड बैग्स का कलेक्शन है ये सारे टू हंड्रेड में थे बट ये इन इन वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा बार्गनिंग नहीं करते हैं जो हंड्रेड टू हंड्रेड की चीज़ें होती हैं अदरवाइज़ ये बार्गेनिंग यहाँ आप बार्गेनिंग बिल्कुल कर लो बार्गेनिंग के बिना सरोजनी नगर अधूरा है बार्गेनिंग करना आपको अच्छे से आना चाहिए यहाँ एंड एंडाइज ये वाले टॉप और ये वाला जो आप स्टॉल देख रहे हो ये थोड़ा सा यूनिक लगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही रिपीटेड मिलती हैं आपको जैसे कि कुर्ते हो गए जीन्स हो गए टॉप्स हो गए क्योंकि मोस्टली ये मार्केट इसी का होता है स्पेशली इयर हो गए तो ये मैं आपको स्पेशली एक, एक बार एक आउटलुक देख के बता रही हूँ कि ये स्कूल बुक्स की शॉप है इसी के नीचे जित ये वाले जो जितने भी लगा रखे हैं ना भैया ने ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे एंड ही विंटर भी आ गए हैं जैसे कि नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट हल्की ठंड वाला सीजन आ गया है तो 200 में बहुत अच्छे से स्वेटर कलेक्शन भी थे स्वाइट सेट्स भी थी एंड गाइज़ ये एक एयर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा थ्री हंड्रेड की सबसे ऊपर वाली लाइन है उसके नीचे भी ये दो तीन लाइन इनकी थ्री हंड्रेड में है फिर टू हंड्रेड में है नीचे वन फिफ्टी का भी है और आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इयरिंग्स मिल रहे हैं बेसिकली मैंने इंस्टा स्टोर से सेम प्राइस में यही इयरिंग्स मंगाए थे और यहाँ पे वही इयरिंग्स हैं क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे आप अगर यहाँ से परचेज़ करते हो एंड गाइस जैसे कि फेस्टिवल सीज़न आ गया है तो साथ ही साथ की जो हम दरवाजे में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए तोरण कीचन ये सारी चीज़ें थी और ये टू हंड्रेड वन फिफ्टी ऐसा कुछ बता रहे थे अगर हमें परचेस करना हो तो ये तो कुछ कम ज़्यादा भी कर लेंगे एंड टू हंड्रेड में ये एवर ग्रीन स्कर्ट होती हैं आपकी सरोजनी नगर में और अभी कुछ फेस्टिव सीज़न है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक ये वाला जो था ना सोनी सेंटर के नीचे वाला इन्होंने एक लगाया था इनके पास स्कर्ट्स का थोड़ा सा यूनिक कलेक्शन था यानी कि अगर फेस्टिव में आप थोड़ा कलरफुल और डिज़ाइनर टाइप चाहते हो तो कुछ इस तरह से इनके पास था बाकी स्कर्ट्स हर जगह मिल रही हैं आपको शॉर्ट स्कर्ट्स लॉन्ग स्कर्ट्स हर तरह की स्कर्ट्स इनके पास अवेलेबल थी मटेरियल वाइज भी ये अच्छी हैं एंड जैसे कि विंटर है तो ये आगे फीमेल के जो हल्के वाले स्वेटर्स होते हैं इस टाइम के लिए वो भी हैं वन टॉप्स भी आ गए हैं हंड्रेड रुपये में आपको कहाँ मिलेंगे और अच्छे से ब्रांड अगर आप थोड़ा सा सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं डी सी के थोड़ा आगे जाते ही मैंने यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखाई दी जहाँ पे नाइट सूट का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे दो तीन नाइट सूट ही रखे थे लेकिन जस्ट इसके बगल में ये वाली शॉप है यहाँ पे आप जाएंगे तो ये जो नाइट सूट है ये आपको 500 में नहीं सॉरी 450 में आराम से दे रहे थे आपको न्यू पैक देंगे और वाइज अभी मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन सेम चीज़ नाइन फिफ्टी की मंगाई थी तो इसलिए मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी डील है मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी जो है ड्रेसेस सारी अच्छी क्वालिटी में थे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाफ प्राइस में मिल रहे हैं तो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे बहुत ही सही चीज़ थी वहाँ पे एंड ये अगेन वुलन भी स्टार्ट हो गया है जैसे कि तो ये हल्के जैकेट्स थी विंटर के लिए हंड्रेड रुपीज़ में एंड अब हम आ गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में यानी हमने पूरा जो हंड्रेड से वन कवर कर लिया अब मैं उसके अपोजिट आई हूँ एंड फेस्टिवल टाइम है तो ये कुछ दिवाली से रिलेटेड कलेक्शन था और यहाँ पर जो ऑनलाइन प्राइज़ हैं आई थिंक वो सेम ही है बिकॉज ऑफ मैंने अभी ऑनलाइन जो परचेज़ किए थे प्लांट्स uh, तो आप जो नीचे शॉर्ट छोटे वाले देख रहे हो वो सिक्स हंड्रेड के हैं बड़े वाले थाउजेंड के हैं ये जो ऊपर बॉल्स हैं ये ट्वेल्व हंड्रेड ईच दे रहे थे ये और मे बी ये बार्गनिंग कर सकते थे बट बहुत ज़्यादा रश भी था मैं अंदर जाके मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा सिर्फ़ एक आउटलुक दे रही हूँ आपको कि ये ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये दो शॉप हैं एक अभी है और एक तीन चार शॉप छोड़ के हैं आगे जो कि ऑलमोस्ट सेम सेम सी शॉप है बट क्वालिटी वगैरह में मे बी डिफरेंस हो सकता है सो वाइज यहाँ पे सेम इसी इस लाइन में चलते चलते जाएंगे तो अब थोड़ा सा शाम वाला भी हो गया इस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट फोर फोर थर्टी अराउंड का टाइम हो गया था तो अच्छी खासी सी भीड़ हो गई थी ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है तो बेटर है आप ऑनलाइन परचेस कर लो क्योंकि रश अच्छा खासा है यहाँ पे और आप अपना केयरफुली जाओ जब भी जाओ सैनिटाइजर ले लो मास्क ले लो और ध्यान रखो और गाइज़ ये जो क्रॉकरी का सेट है ये आराम से यहाँ पे बार्गनिंग कर लेते हैं और ये जो मग है हंड्रेड का बता रहे थे एट्टी में दे रहे थे कुछ वन फिफ्टी का है तो वो आपको वन ट्वेंटी का मिल जाएगा ईजीली एंड गाइज ये एक शॉप है यहाँ पे वन थर्टी फाइव शॉप यहाँ के जो टॉप के कलेक्शन थे वो काफ़ी अच्छे थे मतलब हंड्रेड रुपीज़ में अगर आप थोड़ा समर और विंटर के मीडियम देख रहे हो कॉटन में थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले अच्छे खासे से टॉप का कलेक्शन था इन भैया के पास और इन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया था बट मेरे से वो मिस हो गया नहीं तो मैं इनको नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देती तो बट मैंने आपको बता दिया वन के आगे लगे हैं और ये मोस्टली सेम जगह ही लगाते हैं ये स्लीपर्स फुटवेयर्स टू हंड्रेड लिखी है बट ये वन फिफ्टी में दे रहे थे और उनका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी थी और फीमेल्स को तो क्या चाहिए कि थोड़े थोड़े से कलरफुल और मैचिंग की लेनी होती हैं तो ये सारा मिक्स मैच आराम से हो जाता है तो और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कुर्तियों का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था 350 में और सेट वाला अगर आप देखोगे ये जो नीचे का कलेक्शन है सिर्फ कुर्तियाँ हैं ये 350 फिफ्टी में नेक के पास एम्ब्रॉयडरी है कॉटन में है चिकनकारी कुर्ता था इनके पास क्वालिटी बहुत अच्छी थी और जो ऊपर प्लाजो सेट में टंगे हैं ये सिक्स फिफ्टी ऐसे थे तो ये सिक्स का ये ब्लैक वाला एक ने लिया भी था तो वो मतलब उसमें कुछ बार नहीं किया ना सिक्स हंड्रेड का ही दिया और ये जो शॉप नंबर है वो वन थर्टी फोर है सो so, यहाँ पे अगर आप आएँ तो फुटवेयर्स भी हैं और स्टॉल भी हैं कुर्ते भी हैं सारी चीज़ें अच्छी थी सेम अगेन यही जो स्टॉल लगा रहे हैं ये फिफ्टी रुपीज़ में सारा सामान था इनके पास इन्होंने बीच में लगा रखा था तो और ये कोई बार्गनिंग नहीं कर रहे थे यहाँ पे ये उतने का ही दे रहे थे एंड का जो मोजरियाँ आप देख रहे हैं जुतियाँ ये टू हंड्रेड टू की हैं बट इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और फेस्टिव सीज़न है तो इस तरह का कुछ आप ट्राई कर सकते हो देख सकते हो ऑनलाइन भी ये सेम चीज़ ऐसी ही मिल रही है एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी मतलब ऑनलाइन आपको प्राइस वाइज ज़्यादा मिल रही है बट यहाँ पे आपको सस्ती और अच्छी क्वालिटी है कि प्राइस कम है तो ऐसा नहीं है एंड इसी के अपोज़िट डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ कुशल्स और ये सब 550 में हल्के मटेरियल के, के वलन भी मिल रहे थे ओढ़ने के लिए थोड़े रजाइयाँ गद्दे ये सारी चीज़ें भी फुटवेयर्स भी हैं यहाँ पे और ये जो फ़ुटवेयरस हैं ये हंड्रेड रुपीज़ में हैं फेस्टिवल है तो उसके लिए यहाँ पे ये यह डेकोर पीस है मैंने देखा भी था इनसे कि कौन सा अच्छा लग रहा है क्या है तो इन भैया ने मुझे कार्ड भी दिया था यहाँ से मैंने एक मिरर परचेज़ किया है छोटा सा अदरवाइज़ मैं पूरी सरोजनी नगर में कुछ भी नहीं ले पाई हूँ बिकॉज ऑफ रश बहुत ज़्यादा था आप जब तक एंटर करते हो लेते हो तो या तो आप प्रॉपर शॉपिंग पर्पज़ से जा रहे हो मेरा तो मोटिव था यहाँ पर वीडियो शूट करना तो मेरी शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करने जाऊँगी और आपके साथ शेयर करूंगी सरोजनी हॉल भी एंड गैस ये जो दिखा रहे हैं ये फ्लावर वाला सिंगल सेट ट्वेल्व हंड्रेड का दे रहे थे भैया और ये मिरर जो है ये आ, सबसे बड़ा वाला है साढ़े तीन हज़ार का उन्होंने बताया बट बत मैंने ब, मतलब अच्छी खासी बार्गनिंग कर सकते थे बट मैंने लिया नहीं तो मैंने बार्गनिंग भी नहीं की थी यहाँ पर और ये जो शॉप है इनका कार्ड ये आप देख ही लिए डिस्प्ले में अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं एंड ये जो चोकर हैं आजकल फेस्टिवल की वजह से काफ़ी इन हैं और ये 150 के सिर्फ बहुत ही अच्छे ट्रेंडिंग और कोई भी डैमेज नहीं कुछ नहीं बहुत बढ़िया क्वालिटी का था मतलब आई एम शॉक कि मैंने तो ऐसी मार्केट में कभी देखा भी नहीं इतने अच्छे अच्छे वराइटीज़ और तो बिल्कुल फ़्रेश uh, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और इतने कम प्राइस में एंड गाइज ये कुछ रुपट्टे थे जो 150 के थे और मिक्स हैं यहाँ या मतलब जॉर्जेट है कॉटन है थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले भी कुछ सो सुज ऑलमोस्ट शाम हो गई है और अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए आई होप आपको मेरा ये सरोजनी नगर वीडियो पसंद आया होगा एंड यहाँ पे मंडे क्लोज़ रहता है मंडे पटरी मार्केट लगती है और बाकी के दिन ये नॉर्मल मार्केट इस तरह ही लगती है सो so, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ टिल दैन बाय